सपा विधायक अभय सिंह का साला गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नागालैंड प्रांत से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने राइफल और पिस्टल को जब्त किया है। आपराधिक मामले को छिपाकर अयोध्या से बनवाया था लाइसेंस, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कबूला पैसा देकर बनवाया था फर्जी लाइसेंस। सपा विधायक अभय सिंह का साला गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां नागालैंड प्रांत से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को सफलता मिली है। एक गैंगस्टर सहित चार लोगों को तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। चारों के पास से चार तमंचे सहित पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को देखते ही भागे अभियुक्तों को पुलिस ने खेत से पकड़ा है। ओसावा थाना क्षेत्र के गिल्टिया का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेज आंधी में शपथ ग्रहण समारोह का पंडाल उड़ा है उन्नाव से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज हवाओं के कारण पंडाल टूटा। अचानक आंधी आने से पंडाल में मौजूद लोगों में भगदड़ मची, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंडाल खाली कर खुले मैदान में खड़े हुए लोग। अध्यक्ष सभासद का चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा घाट के सप्रू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जहां तेज आंधी में शपथ ग्रहण समारोह का पंडाल उड़ा, ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। तेज हवाओं के कारण पंडाल उड़कर टूटा। अचानक आंधी आने से पंडाल में मौजूद लोगों में भगदड़ मची। घरेलू विवाद में पिता की हत्या का मामला फतेहपुर से सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। दो बीघा जमीन बेचने को लेकर बेटा नाराज था, जिसके बाद पिता की हत्या की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या की घटना के बाद एसपी एएसपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हत्यारा बेटा मौके से फरार हुआ, पुलिस तलाश कर रही है, ये बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली बिंदकी की कोरैया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घरेलू विवाद में पिता की हत्या की गई है, फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। थाना बिंदकी अंतर्गत कोरैया गांव में मनीराम निशाल, उम्र 55 वर्ष की हत्या उसके लड़के अनिल द्वारा कर दी गई है। इसी धारदार हथियार से शव को पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उसका लड़का हत्या करके फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी है तो टीम लगा दी गई है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घरेलू विवाद में पिता की हत्या की गई है, फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं, जहां दो बीघा जमीन बेचने को लेकर बेटा नाराज था, जिसको लेकर बेटे ने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद एसपी एएसपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हत्यारा बेटा मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रयागराज दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए संसद के उद्घाटन पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। कांग्रेसी सपाई मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, जहां सत्ता के वियोग में विचलित और बौखलाए हुए हैं। विरोध देश की संसद का नहीं, लोकतंत्र के मंदिर का है। देश की जनता विपक्षियों को सबक सिखाएगी, केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, जिसमें कांग्रेस सपा का देश में पूरी तरह से सूपड़ा साफ होगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, सत्ता वियोग में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा विरोधी हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हो, वह इस समय बौखलाए
और विचलित हैं। मैं यह मानता हूं कि देश में नया संसद भवन बनना यह देश के लोकतंत्र का मंदिर है और इसके उद्घाटन के समारोह का बायकॉट करने का मतलब है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक गरीब परिवार से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में तो वह सबसे लोकप्रिय हैं ही, लेकिन दुनिया के अंदर जो उनकी लोकप्रियता आज बढ़ी है, इसे जो सामंतवादी मानसिकता के, कांग्रेसी मानसिकता के, सपाई मानसिकता के जो इस मानसिकता से ग्रसित हैं, वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हों कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। ये विरोध नहीं हो रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री जन जन के प्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का असफल प्रयास हो रहा है। डीजीपी का दोस्त बनकर कर रहा था बिल्डर लाखों की ठगी, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वसुंधरा रियल एस्टेट कंपनी में प्लांट दिलाने के नाम पर सुधीर सिंह ठगी कर रहा था। कभी डीजीपी का दोस्त तो कभी भाजपा नेता बन पीड़ितों को धमकाता, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्लांट के नाम पर लाखों की ठगी का शिकार हुआ एक व्यापारी। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की है। अलीगंज निवासी व्यापारी ने शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। सिरफिरा युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, ये गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिरफिरा युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पानी टंकी पर खड़े होकर कूदने की धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन पहुंचा। कस्बा कर्नलगंज स्थित भारत टावर के सामने नवनिर्मित पानी टंकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मानवीय चेहरा सामने आया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाम में फंसी एम्बुलेंस को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद उतर कर पास करवाया। कानपुर रोड पर फंसी हुई थी एम्बुलेंस। लखनऊ कानपुर रोड पर भीषण जाम लगा था, एम्बुलेंस से निकलवाने के लिए 2.5 किलोमीटर तक पैदल चले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ट्रैफिक को लेकर लखनऊ की जनता हलकान। यातायात को लेकर लखनऊ पुलिस का ढीला रवैया कायम है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।